दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, आज हम इसी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। काफी खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एक बेहतरीन से प्लान को अप्रोच कर रहे थे तो आप इस प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लो बजट प्लान है और पोर्ट्स के साथ प्लान को डिजाइन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। सारी चीज़ें वेल प्लान यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। और ऐसा भी, अगर आप पोर्ट्स भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही लो बजट में बन जाएगा। घर की कॉस्ट की बात करें तो वो भी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ फैंसी मैंने नहीं अट्रैक्ट कर रखी हैं, अटैच कर रखी है। तो इसी प्लान को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आप लगातार देख सकें। तो पूरा प्लान डिस्कस करने के लिए मैं ले चलूँगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा प्लान आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पूरा प्लान है आपका। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत होने वाला। मैंने बहुत ही कम कलर कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, केवल व्हाइट, ब्लैक और ये आपका पिंक कलर ही मैंने यूज किया है, जैसे आपके घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मल्टीपल कलर घर पर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो घर फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हालांकि व्हाइट कलर सबसे बेस्ट कलर होता है, लेकिन फिर भी लोग कलर कराना पसंद करते हैं, तो मैंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो मैं पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। इसमें ग्रिल जो बनी हुई है, इसका डिज़ाइन बना हुआ है, इसका पोर्च का डिज़ाइन जो बना है और इसके विंडो वगैरह, ये आप सब देख लीजिए। तो मैं मैक्सिमम जूम किया हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख सकें। ये इसका मेन डोर है, जहाँ से आप एंट्री करने वाले हैं, और ये आपका पोर्च का डिज़ाइन है जो आपको देखने को मिलता है। और मैंने कुछ यहाँ पर प्लांटेशन कर रखा, प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह लगा रखे हैं, जिससे ये थोड़ा और आपका अट्रैक्टिव दिखने लगे। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखने वाला है। अगर टॉप व्यू मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये आपका टॉप मतलब ऊपर से दिखने वाला है, जिसमें आपको 4 बेडरूम मिलते हैं, किचन मिलता है और लेट बाथ मिलता है। साथ साथ वेंटिलेशन भी मैंने कॉर्नर से दिया है, जिससे किचन और लेट बाथ का आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। वहीं पर आपको अगर बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट से आप जैसे जाते हैं 2 पिलर मिलते हैं। इसका तीनों तरफ आपका बीम बना है, जो कि आपका कर्व शेप में है, और ये पोर्च है। मेन डोर ये है, जहाँ से एंट्री करेंगे। दोनों साइड बेडरूम है, लेफ्ट और राइट, इसलिए मैंने दोनों साइड विंडो को लगा रखा है। जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको पहले लेफ्ट वाले की अगर बात करें हम, तो ये एक बेडरूम देखने को मिलता है, जो कि आप इसे गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हैंड पर भी आपको एक बेडरूम मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका स्टेयर्स है। ये लगभग 6 फीट का जगह यहाँ पर छोड़ रखा मैंने, तो स्टेयर्स आप जाएंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे। और वही बात करें ये दोनों बेडरूम आपको और देखने को मिलते हैं। किचन की बात करें तो ये दोस्तों किचन का एरिया है, ये लेट एंड बाथ है, और ये वेंटिलेशन है। यहाँ पर भी आप एक जाल रखवाइएगा, जिससे ऊपर से रोशनी आपकी आती रहे, और आंगन पर भी एक जाल रखवाइएगा। तो इस वाले वेंटिलेशन से क्या होगा, इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। यहाँ पर आप विंडो लगा सकते हैं, इससे आपका जो लेट बाथ है यहाँ पर भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो 4 बेडरूम, लेट बाथ, किचन, एक आपका वेंटिलेशन मिड के अलावा साथ में मिलता है, स्टेयर्स मिलती हैं, और पोर्च का डिज़ाइन आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये पूरा इसका लास्ट फ्लोर जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ पर जो आपका ग्रिल बना है दोस्तों, ये आप देखते होंगे जो ओल्ड एज में ये ग्रिल यूज किया करते थे लोग, वो आपने देखे होंगे महल वगैरह, अगर आप कहीं गए होंगे घूमने तो वहाँ पर ऐसा ग्रिल वगैरह यूज किया जाता, तो उसी ग्रिल को मैंने कंसिडर किया है। हालांकि ये स्टेयर्स आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, मैंने यहाँ गुमटी नहीं बनाई है, आप इसे यहाँ पर जरूर बनाइएगा। 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ आपको देखने को मिलता है, फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है, और ग्रिल वगैरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल मॉडल था। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। तो इस मॉडल के अगर आप साइज की बात करें तो 33x36 में बना है, 33x36 फीट में। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो आपको अगर ऐसा ही मॉडल बनवाना है तो 7 से 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आप इस मॉडल को बनवा पाएंगे। क्योंकि एरिया की बात करें लगभग 950 स्क्वायर फीट आपका ये पहुंच जाता है, और इसके बाद आपको 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे विद फिनिशिंग तक। हालांकि स्ट्रक्चर आपका कम में खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप जब फिनिशिंग कराएंगे तो फिनिशिंग में पैसा और सारा लगता है। तो ये पूरा मॉडल आपको अगर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।